नमस्कार साथियों, ये जो वीडियो हमने बीच में छोड़ दिया था कल, उसी का पार्ट नंबर 2 है। एक्सरसाइज 2.3 कक्षा 10th मैथ बहुपद का जो टॉपिक चल रहा था, इसमें क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिए थे पहला, और दूसरा जो तीसरा क्वेश्चन है उसको करते हैं, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है इसलिए हमने उसमें छोटे 2 ही क्वेश्चन किए। आज हम तीसरा, चौथा, पाँचवा तीनों क्वेश्चनों को कर लेते हैं। देखिए, तीसरा क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पर, ये जो मान दिया गया है इस तरह से, अर्थात ये जो मान कह सकते हैं हम, किसका, पी एक्स का मान दिया गया है कि अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि इनके 2 शून्य हैं, एक ये शून्य के और एक ये शून्य के। देखो यहाँ पर एक चीज़ अगर हम दिमाग लगाएं तो यहाँ देखिए पी एक्स का मान दिया गया है कितना, 3x की पावर 4 प्लस का 6x की पावर 3 माइनस का 2x² माइनस का 10x और माइनस का 5, लेकिन यहाँ जी एक्स का मान नहीं दिया गया, और जी एक्स के मान के स्थान पर क्या दिया गया है, जी एक्स के मान के स्थान पर ये 2 क्या दिए गए, शून्य दिए गए। तो हम कह सकते हैं माना कि 2 शून्य जो दिए गए हैं उनको हम मान लेते हैं एक्स, क्या मान लेते हैं एक्स। हम इसको इसी के माध्यम से जी एक्स निकालेंगे तो एक्स प्लस का रूट का 5/3 और एक एक्स माइनस, क्योंकि माइनस में दिया गया है, 5/3। देखिए दोस्तों, एक सूत्र बनता है इन दोनों के माध्यम से, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसका मतलब होता है 1 का स्क्वायर और बी का स्क्वायर। इस सूत्र के माध्यम से हम क्या कर लेंगे, इसको खोल लेंगे। तो हम इन दोनों का जैसे ही स्क्वायर करते हैं, एक्स का स्क्वायर ठीक है माइनस में रूट 5/3 का भी क्या कर लेते हैं स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर तो एक्स ही आएगा, ये रूट से रूट कट जाएगा कि ये बच गया हमारे पास में 5, क्योंकि 3 के ऊपर भी क्या है, रूट है, तो जब 3 के ऊपर भी रूट है तो ये बच गया हमारे पास में 3, इसके नीचे लगा लेंगे 1 हम ठीक है। अब यहाँ क्या लेंगे, हम यहाँ लेते हैं लघुत्तम, 3 बच गया ठीक है, यहाँ लघुत्तम लिया कितना आ गया 3, ऊपर जाएगा 3x स्क्वायर, यहाँ बच गया 5। इस समीकरण को हम बराबर मान लेते हैं किसके, 0 के ठीक है, तो ये इसके वजह से वज्र गुणा होती है जाकर, तो ये 3 चला जाता है पहली साइड में, तो x की पावर स्क्वायर माइनस का 5, ये जो मान आ जाता है, ये मान हमारे पास में किसका आ जाता है, जी एक्स का आ जाता है, किसका मान आ जाता है, जी एक्स का। तो हमने जी एक्स का मान निकाल लिया। अब हमें क्या करना है, उसी विधि के माध्यम से हमें क्या करना पड़ेगा, एक भागफल विधि के माध्यम से इसको निकाल लेंगे। तो भागफल विधि के ये काम करना है जैसे हम करते आ रहे हैं, 3x² - 5 या कितना दिया गया, 3x की पावर 4 प्लस का 6x की पावर 3 माइनस का 2x² माइनस का 10x और माइनस का 5। अब हमें इसको काटना है, तो काटना है तो देखो यहाँ 3, यहाँ भी 3 है, प्लस में है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ 4 है, तो x की पावर 2 लिखें ऊपर, तो जब इसको इससे गुणा करेंगे तो 3 की पावर 4, इसको अभी इससे गुणा करेंगे 5x की पावर 2, तो यहाँ x की पावर 2 यहाँ है तो हम यहीं लिखेंगे, इसी के नीचे 5x की पावर 2, तो ये माइनस ऊपर वाला प्लस ये कट, ये बचा हुआ, इसको ऐसे कैसे लिखेंगे सेम, ये प्लस माइनस प्लस में हो जाएगा, ये माइनस का 2 और प्लस का 5, तो कितना बच गया, प्लस का 3x² माइनस का 10x और माइनस का 5। अब अपने को इसको काटना है, 6 को काटना है ठीक है, तो 6 को काटने के लिए यहाँ 3 दिया गया है, तो हम कितना रखेंगे, प्लस का 2 और x की पावर 3 है, यहाँ 2 है तो 1x और लगा लेंगे, 3x = 6x, इसको इससे गुणा करेंगे, 5 × 2 = 10x, तो इसको छोड़ के हम लिखेंगे कहाँ पे, यहाँ पर 10x, ये ऊपर वाला प्लस नीचे वाला माइनस ये कट, ये बच गया अपने पास में 3x², ये प्लस ये भी क्या हो गया कट, और ये बच गया हमारे पास में 5। अब यहाँ देखिए एक बार भाग जा सकता है, हम प्लस का 1 ले सकते हैं, प्लस का 1 करने से यहाँ कितना रख ले, प्लस का 1, तो 3x² को 1 से गुणा करेंगे 3x² ही आएगा, प्लस का 1 लिया है तो माइनस में ही आएगा,
ये माइनस, ये प्लस, ये भी कट और ये भी कट, तो यहाँ शेषफल कितना आ गया दोस्तों, शेषफल कितना आ गया 0। अतः ये जो समीकरण हमें माननीय है ये बिल्कुल सही समीकरण है, अतः इसका यही उत्तर होगा, यही हमें आंसर निकालना था। आ गया होगा आपको समझ में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, हमारे पास में क्वेश्चन नंबर 4 इस तरह से आता है। देखो इसमें क्या क्या दिया गया, ये पी एक्स का मान है, एक्स की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस में एक्स प्लस का 2। यहाँ देखिए जी एक्स से भाग देने पर भागफल और शेषफल, देखो ये भागफल और ये शेषफल, तो जी एक्स का मान हमें पता नहीं, तो जी एक्स का मान हम निकाल सकते हैं किसके माध्यम से, जी एक्स का मान हम इन दोनों को गुणा कर लेते हैं, इन दोनों को जैसे ही गुणा करते हैं तो हमारे पास में क्या आ जाता है, जी एक्स का मान आ जाएगा, ये मतलब एक समीकरण आ जाएगी, ठीक है। देखो हम करके दिखाते हैं आपको जी एक्स का मान कैसे, इसको काटते हैं, ये क्या दिया गया हमें, एक्स माइनस हम लिख देते हैं इसमें कि भाज्य बराबर में भाजक गुणा में भागफल प्लस का क्या आ गया शेषफल। तो भाज्य क्या होता है हमारे पास में पी एक्स, भाजक क्या होता है जी एक्स गुणा में क्यू एक्स, और शेषफल क्या होता है आर एक्स, ठीक है। हमें क्या निकालना है, भाग लगाने के लिए चीज़ नहीं है हमारे पास में, ये चीज़ नहीं है, ठीक है, जबकि ये तो है हमारे पास में, भाज्य तो है, भाज्य तो हमें दिया गया है पहले, ठीक है। भाज्य क्या दिया गया, एक्स की पावर 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस का x और प्लस का 2 बराबर जी एक्स हमें निकालना है, क्यू एक्स का मान कितना है, या क्यू एक्स मतलब कि भागफल कितना है, x माइनस का कितना है 2, प्लस में रिमाइंडर कितना दिया गया है हमारे पास में, शेषफल कितना दिया गया, ये शेषफल है माइनस का 2x प्लस का कितना 4। जब हम जी एक्स को बाहर निकालते हैं, अर्थात जी एक्स मतलब कि किसको, भाजक को, मैं एक नीचे लिख देता हूँ कि भाजक बराबर में, तो भाज्य माइनस में शेषफल और बटे में क्या आ जाता है भागफल, बटे में क्या आ जाता है भागफल, ठीक है। तो जी एक्स क्या हो गया, जी एक्स हमारे पास में भाजक है, तो जी एक्स भाजक है, भाज्य क्या दिया गया है, भाज्य जो हमारे पास में दिया गया है, भाज्य ये पी एक्स दिया गया है, शेषफल हमारे पास में क्यों आर एक्स है, और भागफल हमारे पास में क्या है, भागफल जो दिया गया है भागफल को हमने क्या माना है, भाज्य हो गया, ये शेषफल हो गया, ये भाजक हो गया, भागफल हो गया हमारे पास में क्यों एक्स, क्यों एक्स, ठीक है। तो इसका मान हमें निकालना है, तो भाज्य क्या दिया गया है, भाज्य पी एक्स का मान ये है, एक्स की 3 माइनस में 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस का 2, ठीक है, माइनस में शेषफल, तो शेषफल की है ये है हमारे पास में शेषफल, ये जैसे ही आएगा माइनस होता है तो माइनस माइनस किस में प्लस में 2x प्लस का 4 बटे में एक्स माइनस का कितना 2। तो जब हम इनको सोल्व करते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि ऊपर वाली जो संख्या को हम सोल्व करते हैं इस वाली संख्या को, तो ये वापस हमारे पास में किस तरह से आती है, तो ये आ जाती है एक्स की पावर 3 माइनस का 3x स्क्वायर प्लस 2 और 3, क्योंकि 2x और 1 ये 3x, 4 और माइनस का 2 और प्लस का 4, तो कितना बच गया, माइनस का 2 बच गया, और यहाँ कितना बच गया एक्स माइनस में 2।
तो ये जो ऊपर वाला जो मान आ गया ये तो आ गया पी एक्स का मान, और नीचे वाला आ गया किसका, जी एक्स का मान। तो हमने निकाल लिया एक नया मान निकाल लिया हमने कि हमारे पास में जी एक्स का मान भी आ गया और पी एक्स का मान भी हमने निकाल लिया। किस तरह से निकाला एक बार आसानी से देखिए, वीडियो को दो बार देखिए, आसानी समझ में आ जाएगा। अब हमें क्या करना है, भाग लगाना है, ठीक है। जब आपने इतना काम कर लिया तो भाग लगाने में कोई दिक्कत नहीं। एक्स की पावर 3 माइनस का 3 एक्स स्क्वायर प्लस का 3 एक्स माइनस का 2, जी एक्स से भाग लगाना एक्स माइनस 2 से, एक्स माइनस कितने से 2 से भाग लगाना है। तो इसको सबसे पहले एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो एक्स की पावर 3 आ जाएगी, ये माइनस का एक्स स्क्वायर, ये कट हो जाएगा माइनस, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का 3 एक्स स्क्वायर और प्लस का 2 एक्स, तो माइनस का कितना बच गया एक्स स्क्वायर, प्लस का 3 एक्स, प्लस का माइनस का कितना होता रहा 2। अब इसको इसको काटना है अपने को, तो इसमें माइनस ही लेंगे अपन, ठीक है। तो माइनस लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का 2 एक्स माइनस, ये प्लस में ये कट, ये माइनस का, तो ये बच गया एक्स माइनस का 2। तो हम इसको क्या मान लेंगे, प्लस का 1 एक्स माइनस का 2, ये भी कट और ये भी कट, ये प्लस में ये माइनस में, तो यहाँ शेषफल कितना आ गया दोस्तों 0। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को निकालना है, ठीक है। एक बार दोबारा देख लीजिए अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो, क्योंकि इसमें हमें ये मान दिए गए थे। एक बार मैं आपको यहाँ समझा देता हूँ, ये देखिए अलग से, ये हमारे पास में भाजक है, ये भाज्य है और ये है भागफल और नीचे है शेषफल। इसमें हमको क्या निकालना था, देखो इसमें इसमें हमें निकालना था, इसमें भागफल भी दिया है शेषफल भी दिया है और एक भाजक हमें दिया गया, भाज्य दिया गया। तो हमें क्या निकालना है, भाजक निकालना है और भाज्य भी निकालना है उसके साथ में। तो ऐटोमेटिक जो भाजक है भागफल, तो उल्टा सुलटा करने पर इस तरह से हमने जब निकाला इनको कि जब हमने भाज्य निकालना था तो हम क्या कर रहे थे, भाजक गुणा में भागफल प्लस में शेषफल कर रहे थे, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना था इसमें से भाजक, क्या निकालना था भाजक। तो भाजक निकालने के लिए हमने क्या किया, भाज्य में से शेषफल को घटा लिया और उसमें क्या कर दिया, भागफल से क्या लगा दिया, भागफल से भाग लगा दिया। और यहाँ भागफल हमें दिया गया है, भागफल कितना दिया गया था एक्स माइनस में 2, शेषफल भी दिया गया था और यहाँ पर हमें भाज्य भी दिया गया था, ये भाज्य दिया गया, तीनों चीज़ मिल रही थी। तो केवल और केवल जी एक्स का मान निकाला तो वो हमने निकाल लिया। इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन देखिए, पाँचवा क्वेश्चन जिसको हमने शॉर्ट लिस्ट किया है, वो क्वेश्चन इतना कोई ज़्यादा कठिन भी नहीं है देखिए, लेकिन फिर भी आपको समझा दे दिए है। बहुपदों पी एक्स जी एक्स और क्यू एक्स और आर एक्स के ऐसे उदाहरण दीजिए जो विभाजक एल्गोरिथम को संतुष्ट करते हो। कोई भी उदाहरण ले सकते हो आपकी इच्छा अनुसार, हमने अपने इच्छा के अनुसार कोई भी एक उदाहरण ले लिए। तो हमने एक उदाहरण ले लिया कि हमने पी एक्स इस तरह से एक संख्या मान ली, 5x² - 5x + 10, और जी एक्स मतलब कि एक हमने भाजक जो मान लिया 5 मान लिया, जब हमने इससे भाग दिया 0 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 0। कई क्वेश्चनों में 0 आ भी जाएगा और कई क्वेश्चनों में 0 ना भी आए, ऐसी कोई ज़रूरी बात भी नहीं है, ठीक है ना। आप अपने हिसाब से मानिए, अपने दिमाग से कोई भी संख्या मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस तरह से जब हमने इसको निकाला तो यहाँ 0 आता है, यहाँ क्या पूछा है, क्यू एक्स बराबर घात आर एक्स, तो यहाँ क्यू एक्स मान का, ये क्यू एक्स का मान है, ठीक है। आर एक्स का मान क्या है, ये है, यहाँ तो घात कितनी है 0 है, घात कितनी है 0 है, ठीक है। या क्यू एक्स की घात, क्यू एक्स की घात देखो यहाँ अधिकतम घात देखनी है आपको, इसमें से क्या देखनी, अधिकतम घात, तो अधिकतम घात कितनी एक्स स्क्वायर है, तो स्क्वायर है तो अधिकतम घात कितनी आ सकती है 2 आ सकती है, एक्स स्क्वायर है तो स्क्वायर का मतलब 2 घात हो सकती है, क्योंकि यही तो मान होता है क्यू एक्स का, ये क्यू एक्स का, ये जी एक्स का, ये पी एक्स का और ये आर एक्स का। तो यहाँ क्यू एक्स का पूछा, आर एक्स की पूछे तो 0, आर एक्स की पूछे तो 0 है, ठीक है। और यहाँ पर क्यों एक्स का पूछता है, अधिकतम घात 2 है, ठीक है। हमने इसको देखो यहाँ शॉर्ट लिस्ट किया भी है, आप इसको समझ लीजिए एक मिनट के लिए, आसानी से समझ में आ जाएगा ऐसी कोई। और वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिए दोस्तों, कमेंट कीजिए,
मैसेज भी लिखिए अगर समझ में आ रहा है तो, हाय लिखिए, ठीक है, थम्स लगाइए। अब देखिए पांचवे का क्वेश्चन नंबर सेकंड, इसमें भी हमने अनुमानित मान मान लिए दोनों अलग अलग, ठीक है, यहाँ भाग लगाए शेषफल यहाँ कितना आ गया चार, कोई ज़रूरी नहीं है कि जीरो जाए, चार आ गया। यहाँ क्या पूछा है देखो, क्वेश्चन नंबर सेकंड में पूछा था हमसे, सेकंड में ये क्वेश्चन पूछा था कि पी एक्स घात क्यों है, यहाँ पूछा है देखो सेकंड में क्यों एक्स और आर एक्स, क्यों एक्स और आर एक्स, तो क्यों एक्स, क्यों एक्स तो ये होता है और आर एक्स ये होता है, तो यहाँ क्यों एक्स, तो यहाँ सात है, अकेली संख्या सात है, अचर संख्या है, तो जब अचर संख्या होती है तो उसकी घात ही जीरो आ जाती है, तो हमने क्या लिख दिया, जीरो लिख दिया। इसी प्रकार तीसरा क्वेश्चन है, देखिए आसानी से देख लीजिए, इसमें पूछा क्या आर एक्स, आर एक्स कितना एक है और आर एक्स ही पूछा है शेषफल एक है ना, तो इसकी घात अचर पद है ये भी, तो एक जब अकेली संख्या आती है, मान लीजिए दो एक्स आ जाता, मान लीजिए ये आ जाता दो एक्स, इस तरह से दो एक्स, तो यहाँ पर कितनी संख्या आती एक, एक्स की वैल्यू कितनी एक है, एक्स स्क्वायर आ जाता तो दो, एक्स की पावर तीन आ जाती तो तीन, एक्स की पावर चार आ जाती तो घात कितनी चार, एक्स की पावर पाँच आ जाती तो घात कितनी पाँच, इस तरह से घात निकालनी पड़ती है। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए, ये टॉपिक ख़त्म होता है, इसके बाद में नया टॉपिक लेके आते हैं आपके साथ में, ठीक है, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और जुड़े रहिए इसी प्रकार हमारे साथ में मनोज सर मैथ्स चैनल के साथ में, लाइक शेयर जरूर करें, धन्यवाद।